ये जो चुनावी शुरुआत हो चुकी है हमने देखा कि दो चरणों में खास वोटिंग नहीं हुआ है क्या लगता है आपको कि जो एक अपील की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा उसको लगता है देख के कि इस बार तीसरे चरण में चौथे चरण में और पांचवें चरण में उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा लोग बड़ी तादाद में आएंगे और खास करके पहले जो दो चरण हुए हैं वो मराठवाड़ा और विदर्भ में हुए हैं जहां पर एक हीट वेव भी हमने देखी तो आपको लगता है कि यहाँ पर तापमान कुछ हिसाब से कम अधिक है तो शायद यहाँ पर आउट इस बार थोड़ा अलग हो सकता है एक्चुअली अभी मैं सारे इलाकों का दौरा करके आया हूँ और हीट वेव तो सब जगह है लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं पांच साल में एक बार देश के लिए वोट देने का मौका मिलता है आधा घंटा धूप में खड़े रहने से हमारा नुकसान नहीं होगा हमारा फायदा होगा अच्छी सरकार चुनते हैं तो अच्छे निर्णय भी होते हैं और जैसा मैंने बार बार कहा है लोकतंत्र में जो वोट देता है उसी को नैतिक अधिकार है कि वो मांग कर सके या किसी को कोस सके कानून अधिकार तो हर एक को है लेकिन नैतिक अधिकार केवल वोट देने वाले को